अभी एक बेड न्यूज आया, अभी मेरे मामा एक नीचे रहते हैं कंपनी में, गिर गए सर, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इधर से टूट गया। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय द ब्लॉग। तो गाइस सुबह के बजे 7 अब जाके ब्लॉग स्टार्ट किया। गाइस पहली बात तो मैं बता दूं, मैं 7 दिन से ब्लॉग, मतलब 7 दिन नहीं 15 दिन हो गया, 15 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा, क्योंकि मेरा था कॉलेज में पेपर, फाइनल पेपर 50 मार्क का, तो उसके स्ट्रेस में था मैं पूरा, मैं ब्लॉग नहीं बना रहा था, बस उस पर ध्यान दिया, पेपर दे दिया, पेपर ख़त्म भी हो गया कल, और मैंने आज से फ्री होके ब्लॉग चालू किया है। तो फिलहाल तो अभी आज का सीन ये है कि फिलहाल तो अभी कॉलेज में सिर्फ वाइवा बचा है, जो मंडे से चालू होगा, एक हफ्ते का है वो भी, वो तो आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई इतना स्ट्रेस नहीं है। मेन तो था पेपर, वो तो मैंने निकाल दिया फर्स्ट क्लास। क्यों दौड़ रहा है? और अभी इन लोग का भी पॉपर्ट हो गया, इन लोग जस्ट अभी नाव आके फर्स्ट क्लास गए थे रोड पे, वैन का इंतजार कर रहे थे कि वैन आएगा तो जाएंगे, वैन ही नहीं आया, अल्लाह आधे घंटे तक खड़े हो गए रोड पे, अब वैन ही नहीं आया, फिर फोन भी कर रहे थे भाई फोन स्विच ऑफ, तो छुट्टी मार दिया गया भाई। अब इन लोग को भी मजे है भाई, दौड़ क्यों रहा है? रनिंग कर रहा है, गर्म बॉडी गर्म कर रहा है, वैसे भी ठंडी है काफी, गाइस ठंडी थोड़ी बढ़ गई है, मेरे को ठंडी लग रहा है, मैं हाफ स्कर्ट में ही हूँ। इन लोग तो फुल वुल पहने के बाद आ गए, ब्लैक फ्लिप मार मार मारते रहना सर, फोड़ फोड़ा तो मैं ना मत, अबे इसको कहते हैं, अबे ले पॉपट यहाँ से मार डायरेक्ट उस पार, टूट जाएगा रण इधर, वैसे इसमें थोड़ा जानवर नहीं है, चल सब चल गाइस देखो मेरा बॉडी, उठा उठा रहने दे, गिरेगा टूट जाएगा। देखो भाई इन लोगों के कारनामे गाइस, इन लोग अलग ही लेवल में, छुट्टी मिल गया से कारण, नहीं तो अभी जाते सुबह सुबह तो दोनों मार खाते भाई स्कूल जाने से पहले, तब जाके इन लोग उठते हैं पहली बात तो, नहीं भाई मेरे आज नहीं जाना, नहीं जाना, मार खाते दोनों आज, मार खाए मेरे ख्याल से, कौन मार खाया वैसे, ये मार खाया, हाँ मम्मी बोली थी कि आज मार खाया है सुबह उठने के लिए, तू खाया ना, मेरे को पता है, तब जाके तो लोग उठते है, रोज मार खाता है कोई ना कोई। सो गाइस अभी एक बैड न्यूज आया, अभी मेरे मामा एक नीचे रहते हैं गांव के रिलेटिव में आते हैं, पर वो अभी क्या हुआ कंपनी में गिर गए शायद, तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, इधर से टूट गया, तो अभी मैं जस्ट उनसे मिल, अभी हॉस्पिटल में गया था देख के आया, अभी मेरे मामा विनोद किरण के पापा अभी गए हॉस्पिटल लेके, किसी बड़े हॉस्पिटल में शायद फ्रैक्चर है, तो शायद पता नहीं बैंडेज होगा या तो फिर ऑपरेशन, क्योंकि एक ही जगह पे 3 जगह टूट गया, तो अभी तो मामा लेके गए, जैसा होगा बताएंगे, देखो होता है क्या दिन ही खराब है। अभी कल ही रात को 7 बजे रोड पे एक्सीडेंट हुआ था, 3 जन का हुआ था, उसमें से सोसाइटी में से हमारे एक जन थे वो ऑफ हो गए, देखो नसीब होता है यही होता है, कल वहाँ एक्सीडेंट हो गया, आज यहाँ एक एक्सीडेंट छोटा सा हो गया, मन लगा तो है, देखो क्या होता है, जैसे होगा बताऊंगा। तो गाइस मैं अभी जस्ट गया था मंजिल माटी में जहाँ उन लोग को जलाया जाता है, तो अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ घर पे, नहाया खाया पिया, अभी जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल दोबारा, मामा भर्ती है, उनका हाथ टूट गया भाई, तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ एडमिट है, तो आज रात भर तो मेरा लगता है वहीं सोने उठने का प्लानिंग है, फिलहाल तो वहीं जा रहा हूँ मैं और अंकल, मिलते हैं घर पे। फिलहाल तो मैं और अंकल पहुंच गए हॉस्पिटल, और यहाँ तो काफ़ी हाई फाई हॉस्पिटल है, अभी फिलहाल तो अभी पापा और अंकल निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि पापा को जाना है नाइट जॉब शाम को, और फिलहाल अभी 7 बज भी गए इसके लिए, तो उन लोग अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे, और यहाँ भी मामा को अंदर ले गए ऑपरेशन थिएटर में, 3 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, अभी 1 घंटा और बोला है, उसके बाद किसी रूम में शिफ्ट कर देंगे। फिलहाल तो मामा सो रखे हैं, तो मैं तो अभी आया हूँ बाहर, बाहर आने के बाद
मैं यहाँ का अलग ही व्यू देख रहा हूँ, शानदार व्यू है यहाँ पर। मैं अभी हूँ थर्ड फ्लोर पे, तो अभी मैं को भूख लग गया, मैं तो जा रहा हूँ अभी नीचे, देखता हूँ कुछ मिलता है तो खाऊंगा। तो अभी सो रहा, तुमको मैं डिस्टर्ब करूँगा नहीं, उनको देना डायरेक्ट 10 बजे के बाद फिर ग्लास पानी और कुछ नहीं अभी, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी कुछ देना है नहीं, तो 10 बजे के बाद ही उनको कुछ देना है, तो जा रहा मैं कुछ खाने। और तो गाइस बाहर से कुछ ऐसा है, मस्ती है हॉस्पिटल, सरस्वती हॉस्पिटल। गाइस मैं तो निकला था खाने की तलाश में, बट यहाँ तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मिल भी रहा है तो कुछ हाई फाई कुछ ज़्यादा ही, 80-80 रुपये का सिर्फ आमलेट है एक। मेरे बच्चे तो नहीं है, मैं तो चला भाई कुछ और खाने पीने, भाई कुछ नहीं मिला तो सिर्फ एक कप चाय पी लिया, अब उसी में काम चलाना पड़ेगा। और तो गाइस ये रहे मेरे मामा, जो अभी फ़िलहाल इनको खून की बोतल चढ़ रही है, क्योंकि इनका ऑपरेशन हुआ है तो काफ़ी सारा खून तो निकला होगा, तो इसके लिए इनको खून चढ़ाया जा रहा है, आई स्वेयर कि जल्दी ठीक हो जाए। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो अभी सुबह के बज गए 8, और यहाँ तो कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं अभी आया था कैंटीन में खाना खाने, चाय नाश्ता किया, और अभी सीन ये है कि मेरे मोबाइल में सिर्फ 8% रह गया और मेरे पास चार्जर है नहीं, सोच रहा हूँ कहाँ से करवाऊँ, मांगने में भी शर्म आ रहा है। और अभी आए हम लोग एक्सरे रूम में एक्सरे पढ़वाने, क्योंकि उनको चेक करना भी जरूरी है कि कैसा मूवमेंट है हाथ पर, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कैसा क्या कंडीशन है। अभी फिलहाल उन लोग अंदर गए, आते फिर हम लोग ऊपर गए वापस। फिलहाल तो एक्सरे करवा के आ गए, अब इनका दोबारा बैंडेज पट्टी चेंज हो रहा है। सो गाइस फिलहाल तो मैं घर पे आ गया, मैं और मामा, मैं मामा आ गए विनीत के पापा के साथ, और मेरे नीचे एक मामा रहते हैं, वो वहाँ चलेगा, वो वहाँ रह रहेंगे, शाम को वो भी आ जाएंगे सर, तो मेरे को वापस जाना पड़ेगा आई थिंक रात को 9-10 बजे। और तो सब इकट्ठे भी हो गए एक ही जगह पे, देखो इसको रूल ऑल बैट्स, तो सोया है झूठ बोलता है, तो बैट्स को बैट्स ही बोलेंगे ना। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक के साथ जरूर कीजिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। अब मैं जा रहा हूँ सोने।